हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आज टेस्ट करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, राजस्थान में धर्म, संत और संप्रदाय से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और ये टॉपिक वाइज हमारी राजस्थान जीके की जो सीरीज है वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर बना हुआ है राजस्थान जीके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, तो उसमें सारे टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे, वो देख लेना। और नए नए टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कर दीजिए फटाफट एक बार, ताकि आपका सब्सक्राइब हो जाए और जब भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो शुरू करने से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, अगर आप राजस्थान पुलिस पटवारी की, रीट की या आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो 10,000 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। यानी क्या, इसमें 100 टेस्ट हैं, 100 टेस्ट होंगे, प्रत्येक टेस्ट 100 क्वेश्चन का होगा, टोटल 10,000 क्वेश्चन होंगे। इसकी लाइव टेस्ट सीरीज होगी, पीडीएफ भी वहीं पर मिलेगी। साथ में फायदा क्या होगा कि डेली आपको रैंक पता लगेगी कि टोटल जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें आपकी कौन सी रैंक है और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और कहाँ पर होगी, अनकेडमी प्लस पर होगी। तो करना क्या, अनकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, प्रोफाइल बनानी है और प्लस पे जाके कंटिन्यू करके रजिस्ट्रेशन करना है। आप चाहो तो 1 मंथ के लिए कर लेना, 3 मंथ के लिए, 6 महीने या 12 महीने के लिए कर सकते हैं, कंटिन्यू कर देना। और जब भी रजिस्ट्रेशन करो तो रेफरल कोड जरूर देना है, किस नाम से, प्रहलाद सारण के नाम से। इस कोड से क्या होता है, अप्लाई कर दोगे तो 10% है यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी, राइट। इसके अलावा पहले अगर वहाँ पर वीडियो देखें तो आपको कुछ क्रेडिट मिले होंगे, तो इनको भी बाद में अप्लाई कर देना तो इससे भी छूट मिल जाएगी, तो 15-20% छूट हो जाएगी। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 महीने या 12 महीने कर लेना तो ये टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी 10,000 क्वेश्चन की। साथ में आपको मिलेगा फुल कोर्स, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो यानी एक ही पीस में सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज, सारे एग्जाम के मॉडल पेपर और सारे एग्जाम का फुल कोर्स मिल जाएगा आपको। 40 टीचर वहाँ पर पढ़ाते हैं, तो आज ही कर लेना रजिस्ट्रेशन, 2-3 दिन में ये क्लास है वो शुरू होने वाली है, ठीक है। और बाकी कोई भी जानकारी चाहिए इसके बारे में तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो ज्वाइन कर लेना और मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हमेशा की तरह फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा और लास्ट में टोटल स्कोर बताना है। पहला है कि किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। 5-6 बार क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, तो दादू दयाल जी जो है इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि परनामी संप्रदाय के उपदेश जो है वो कौन से ग्रंथ में है। परनामी संप्रदाय इनके उपदेश हैं कुजलम स्वरूप में। अब ये क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि कुजलम स्वरूप जो है वो किस संप्रदाय का ग्रंथ है, तो परनामी संप्रदाय का ग्रंथ है। तो इस तरह से याद रखिए, एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से जो पूछा जा सकता है। चले, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसको कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहते हैं शंकराचार्य जी को कहा जाता है, बी आपका राइट आंसर। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। राजस्थान में है पीपा जी, एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, 5 है कि भगतमती मीरा के पति का नाम बताना है। मीरा जो है ये किसकी पत्नी, भोजराज जो राणा सांगा के बेटे थे, ठीक है, खानवा के युद्ध में शहीद हो गए थे 1527 में, तब से मीरा बाई है वो विधवा हो गई थी, उन्होंने दास दासी संप्रदाय चलाया था अगर आपको याद है। अगला है कि परनामी संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक का नाम बताना है। अभी इनके ग्रंथ की बात की थी तो प्राणनाथ जी ने चलाया था ये, और कुजलम स्वरूप इनका ग्रंथ है, अभी पढ़ के आए थे हम, राइट। चलिए, 7 है कि संत पीपा जी की गुफा कहाँ पर है। संत पीपा जी की गुफा कहाँ पर बनी हुई है, ये टोडा में बनी हुई है, टोडा में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 8 है कि रामसा पीर के नाम से हम किस संत को जानते हैं। रामसा पीर किसको कहा जाता है, बाबा रामदेव जी को कहते हैं, जो कि एकमात्र लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी थे, एक ग्रंथ भी लिखा था 24 बाणियाँ के नाम से इन्होंने, तो क्या सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि पशुपति संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताना है। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक रहे थे लकुलीश, तो इसको लकुलीश संप्रदाय भी कह देते हैं, पशुपति संप्रदाय भी कहते हैं, लकुलीश संप्रदाय भी कहते हैं। इनका मुख्य केंद्र है एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है ना कैलाशपुरी उदयपुर में, जिसका निर्माण व्यापार रावल ने करवाया था, वही एकमात्र जगह इनका मुख्य केंद्र है लकुलीश संप्रदाय का, पशुपति संप्रदाय का। अगला है कि नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर है। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर बनी हुई है, जोधपुर में मानसिक टाइम पर जो महामंदिर बना था अगर आपको याद है। 11 है कि संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, और पीपा जी के अकॉर्डिंग भक्ति के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अगला है कि प्रसिद्ध संत सलीम जो है वो कहाँ पर रहते थे। सलीम जिनके नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था अगर आपको याद है, ठीक है, सलीम ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे, इन्हीं के आशीर्वाद से वो हुआ था तो इसीलिए उसका नाम भी सलीम रखा गया था, तो इन्हीं संत के आधार पर रखा था। चले, 13 आपका है कि तेरापंथी संप्रदाय जो है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तेरापति संप्रदाय जो है ये जैन धर्म से संबंध रखता है, जैन धर्म, सी आपका राइट आंसर।
अगला है कि जांबाजी के अनुयायी जो हैं वो किस रूप से जाने जाते हैं। जांबाजी के अनुयायी यानी इनके 29 नियम हैं, 20 और 9, तो बिश्नोई कहते हैं। बी आपका राइट आंसर। अगला है कि सापुरा भीलवाड़ा में है वो किस संप्रदाय की पीठ है। सापुरा भीलवाड़ा में बनी हुई राम सनेही संप्रदाय की पीठ है, वो सापुरा में, और सापुरा है वो भीलवाड़ा जिले में है। संत जांबोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म स्थान बताना है। जांबोजी का जन्म हुआ था नागौर जिले में। एक नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि नागौर में किस सूफी संत की मजार बनी हुई है। सूफी संत का बताना है शेख हमूदुद्दीन जो है इनकी मजार जो है वो कहाँ पर है, नागौर में है, जहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है नागौर में। चलिए राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, वल्लभ संप्रदाय की पीठ बनी है नाथद्वारा में। एक नंबर राइट आंसर। 19 नंबर कि किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, और पर्यावरण वैज्ञानिक यानी जांबोजी को जानते हैं। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 20 कि बिश्नोई जाति के लोग जो है वो किस पेड़ की पूजा करते हैं, किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो ये खेजड़ी की पूजा करते हैं। खेजड़ी जिनको स्थानीय भाषा में जांटी कह देते हैं, धार्मिक ग्रंथों में समी कह देते हैं। राइट ओके। 21 है कि किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देवता मानते हैं। आराध्य देव है वो पीपाजी को माना जाता है, पीपाजी हैं, तो राइट आंसर आपका एक नंबर दर्जी समुदाय के। जांबोजी का जन्म स्थान बताना है, तो ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, जन्म है वो नागौर में हुआ था। सी आपका राइट आंसर। चलिए अगला है कि सन्यासियों के सुल्तान किसको कहते हैं। सन्यासियों के सुल्तान कहा जाता है हमीदुद्दीन नागौरी जो है इन्हीं को कहते हैं। एक नंबर आपका राइट आंसर। नागौर जो है वो किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए राजस्थान का उत्तर तोताद्री किसको कहते हैं। उत्तर तोताद्री जो है वो राजस्थान में किसको कहा जाता है, गलताजी को कहते हैं। सी आपका राइट आंसर। चलिए इनमें से कौन सी रचना है जो मीराबाई के द्वारा लिखी गई थी, मीराबाई की रचना, तो पदावली है, पदावली मीराबाई की रचना है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 27 नंबर आपका है कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कहां से किया था, कब किया था, सॉरी अणुव्रत आंदोलन है ये हुआ था 1949। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बालिन जी के गुरु का नाम बताना है, बालिन जी के गुरु कौन बने थे, कौन थे गुरु, दादू दयाल जी थे, तो ये भी याद रखना कि दादू दयाल के शिष्य कौन थे, उस तरह से भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। चलिए 29 है कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताना है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी जांबोजी के द्वारा की गई थी, 20+9 नियम बिश्नोई 29। चलिए अगला है कि तेरापत्ती संप्रदाय जो है ये किस धर्म का है। तेरापत्ती संप्रदाय जो है वो जैन धर्म का है। एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए संत भूरी बाई अलख का कार्य क्षेत्र बताना है। भूरी बाई अलख जो है इनका कार्य क्षेत्र रहा था मेवाड़ में, उदयपुर में रहा था। बी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में तेरह पंथ के प्रवर्तक बताना है जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तेरह पंथ के प्रवर्तक थे बिकण जी को माना जाता है। और 33 नंबर कि बाबू महाराज का मेला जो है वो किस जिले में पड़ता है। बाबू महाराज का मेला पड़ता है धौलपुर जिले में। बी आपका राइट आंसर। 34 कि कौन सा दादू दयाल का उप संप्रदाय नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, खालसा है, खाकी है, उत्तरादि है, सतनामी नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 35 की प्राचीन राजस्थान में कौन से क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था। बौद्ध धर्म के प्राचीन साक्ष्य में विराटनगर से मिलते हैं, जो कि विराटनगर जयपुर में है, तो वही रहा था। एक नंबर आपका राइट आंसर। चले किस सूफी संत ने नागौर के पास में सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था, सुचाल गांव में, और ये हमूदीन ने किया था, शेख हमूदीन ने, सुचाल गांव का नाम याद रखिएगा। चलिए बाबू जी है वो किसके अवतार माने जाते हैं। बाबू जी ऊंटों की देवता, इनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। बी आपका राइट आंसर। चलिए राम सनेही संप्रदाय की जो सापुरा शाखा है इसकी स्थापना की थी, सापुरा भीलवाड़ा में इसकी शाखा की शुरुआत की थी रामचरण जी के द्वारा की गई थी। डी आपका राइट आंसर। 39 की नारी संत दयाबाई जो है वो किसकी शिष्या थी। दयाबाई थी ये संत चरणदास जी की शिष्या थी। एक नंबर राइट आंसर। 40 कि कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। जसनाती संप्रदाय का है कतरियासर जो है बीकानेर जिले में है। बी आपका राइट आंसर। 41 कि काजी हमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सबसे पहले काजी बनाया गया था। इनको काजी बनाया गया था सबसे पहले नागौर का,
नागौर का बनाया गया था एक नंबर राइट आंसर। चलिए, किस संत के द्वारा सत्यभामा जी नू रोशन की रचना की गई थी? सत्यभामा जी नू रोशन की रचना किस संत ने की थी? और ये मीराबाई की रचना है, मीराबाई की रचना है, डी आपका राइट आंसर। 43 कि संत रैदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? मीराबाई के गुरु थे ये, और चित्तौड़गढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। इनका जन्म स्थान था बनारस, बनारस में। 44 है कि संत बाबू जी के शिष्य बताने हैं, इनके शिष्य होते हैं रेबारी, रेबारी जाति जो रायका जाति है, जो ऊंट पालक जाति है, वो इनके शिष्य हैं। 45 है कि एक शासक यानी शासक भी थे, और संत पीपा जी जो थे ये किस स्थान से संबंधित है, कहाँ के शासक थे? ये गागरोन के, गागरोन राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 46 है कि रामसनेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? ये शाहपुरा में है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 47 की आचार्य तुलसीदास ने जो अणुवर्त आंदोलन चलाया था, ये कब चलाया था? 1949 के द्वारा चलाया गया था। चलिए, निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में है सलेमाबाद। कहाँ पर है? सलेमाबाद में, एक नंबर राइट आंसर। 49 नंबर कि मलूकनाथ जो है वो किस पंथ के साधु थे? मल्लूकनाथ जी जो है ये थे गरीबदासी पंथ के, गरीबदासी पंथ के, एक नंबर राइट आंसर। 50 कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रसिक संप्रदाय किसने चलाया था? ये अगरदास जी के द्वारा चलाया गया था, अगरदास जी, बी आपका राइट आंसर। और 51 नंबर सहजोबाई जो है उनका गुरु का नाम बताना है, और सहजोबाई के गुरु थे चरणदास जी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो 50 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके बता दो, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और अनकेडमी प्लस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। और भूलना नहीं, जब भी रजिस्ट्रेशन करो रेफरल कोड यूज़ करना है परेला सारण के नाम से, और अप्लाई कर देना है ताकि 10% की आपको एक्स्ट्रा जो है वो छूट मिल जाए, ठीक है। और कितने भी महीने के लिए कर सकते हैं, तीन, एक के लिए कर सकते हैं, तीन के लिए, 6 या 12 महीने के लिए। और वहाँ पर शुरू होने वाली है 10,000 GK की यानी 100 टेस्ट की एक मेगा टेस्ट सीरीज, जो राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए स्पेशली, टोटल 100 टेस्ट, और प्रत्येक टेस्ट होगा आपका 100 क्वेश्चन का, ठीक है। साथ में आपको फुल मॉडल पेपर भी मिलेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेना, और रेफरल कोड मत भूलना परेला सारण के नाम से। तो लाइक कर दो और शेयर कर दो एक बार फटाफट सारे के सारे, ताकि ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पर हम वीडियोज बनाते रहें। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।